आपको अनानास पूरा खा ले लेना है छोटा सा, उसका पीस बना लेना है काट के, छोटा छोटा पीस बना लेना है। और आपको खजूर ले लेना है, खजूर तो आपको आराम से मार्केट में मिल जाती है, आपको खजूर ले लेना है। और जितना पीस रहेगा आपका अनानास का, उतना ही खजूर आपको डालना है, दोनों बराबर मात्रा में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको कांच का बर्तन ले लेना है, इसके अंदर आपको इसको डाल देना है, और उसमें थोड़ा सा आपको देसी घी डाल देना है, प्लस उसके अंदर मधु डाल देना है। ये चारों सामग्री को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको उसको रख देना है, रखने के बाद उसी में से 10 ग्राम के मात्रा में आपको डेली निकाल के सेवन करना है सुबह और शाम को। दोस्तों इसी प्रकार से आपको एक हफ्ते तक 7 दिन कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं प्रेमनाथ हूँ, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। इसे देख रहे हैं तो आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों इसे देख लो और पहचान लो। दोस्तों अगर बहुत से भाई हैं जो देखते ही पहचान गए होंगे, बहुत से भाई नहीं जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता देता हूँ। दोस्तों इसको अनानास बोला जाता है, आपको पता है कि अनानास है, और आप इसको देख लो। दोस्तों अब तक तो हम लोग अनानास का जूस पीते थे, और हमको नई नॉलेज था कि मतलब ये किस किस बीमारी में जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है अनानास में। तो दोस्तों ये बहुत सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है इस अनानास में। तो दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो। आज हम बात करेंगे अनानास के बारे में, किस किस रोगों को जड़ से ख़त्म करता है, और कितनी मात्रा में इसकी दवा को लेना है, कैसे दवा बनानी है, सारी विधि बताएंगे हम आपको। और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी माताएं हैं, बहुत से हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको गर्मियों के महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है और पेशाब में जलन रहती है। दोस्तों ये क्यों होता है ऐसा? दोस्तों आपको पता है कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएँ हैं, बहुत से हमारे बच्चे हैं कि जो पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। दोस्तों अगर आपको आप पानी कम मात्रा में पियोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि आपके पेशाब में जलन रहेगा और बार बार पेशाब आएगी आपकी, और ज़्यादा पेशाब भी नहीं होगा, 2 से 3 बूंद पेशाब आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जलन होती है पेशाब जब आती है आपको। तो आपको करना क्या रहेगा दोस्तों, अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपको या आपके घर में किसी को या आपके बच्चे को, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी औषधि लेके आया हूँ। आप देख ही रहे हो इस औषधि को, तो पहचान लो इसको। और ये आपको पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, अनानास जो है वो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, आपको आसानी से मिल जाएगा, ये कहीं भी मार्केट में उपलब्ध रहता है। इसको बोलते हैं मूत्र विकार। दोस्तों मूत्र रोग जिसको बोला जाता है, ये सारी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली है, और इसकी दवा कैसे बनानी है वो भी बताते हैं, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है और आपके पेशाब में जलन हो रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, 1 गिलास अनानास का जूस ले लेना है, और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल देना है। गुड़ तो आपको पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में गुड़ देखने को मिलता है, तो दोस्तों आपको मार्केट में भी आराम से उपलब्ध रहता है गुड़, तो आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, 1 गिलास अनानास के रस में गुड़ डाल के उसका सेवन करना। दोस्तों उसका सेवन 1 हफ्ते तक करना है, 1 हफ्ते तक आप इसका सेवन करिए, आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पेशाब में जो जलन होती है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों इससे क्या है कि आपको भूख भी लगेगी, इसका सेवन आप करोगे तो भूख भी लगेगी। और दोस्तों एक काम और करना है आपको, अगर ये अनानास का जूस नहीं आपके मिलता है आपको, तो आप अनानास ले लेना, पूरा अखा अनानास ले लेना, काट देना है इतना छोटा छोटा सा, उसका पीस बना लेना है काट के, और आपको खजूर ले लेना है। खजूर तो आपको आराम से मार्केट में मिल जाती है, आपको खजूर ले लेना है, और जितना पीस रहेगा आपका अनानास का, उतना ही खजूर आपको डालना है, दोनों बराबर मात्रा में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको कांच का बर्तन ले लेना है, उसी के अंदर आपको इसको डाल देना है, और उसमें थोड़ा सा आपको देसी घी डाल देना है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर मधु डाल देना है। ये चारों सामग्री को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको उसको रख देना है, रखने के बाद उसी में से 10 ग्राम के मात्रा में आपको डेली निकाल के सेवन करना है सुबह और शाम को। दोस्तों इसी प्रकार से आपको 1 हफ्ते तक 7 दिन कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि अगर आपके पेशाब में जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और बार बार जो पेशाब आता है वो भी कम हो जाएगा, बार बार पेशाब आना भी कम हो जाएगा, और आपको भूख भी अच्छे से लगने लग जाएगी, और आपका खाना भी अच्छे से पचेगा। क्योंकि बार बार पेशाब आने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारी बॉडी के अंदर गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी पानी की वजह से तड़क जाती है, जिसको बोलते हैं पानी कम पीने की वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल पानी को तरस जाती है, इसके वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डेली पानी सुबह उठते ही
आपको ब्रश नहीं करना है, आपको 1 लीटर पानी पी लेना है। अगर डेली कंटिन्यू इस प्रकार से आप करते हो तो आपके पेशाब में कभी जलन नहीं होगी। और दोस्तों पूरे दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए हर इंसान को, 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए अपने बॉडी में। पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आप बहुत कम बीमार पड़ोगे और स्वस्थ रहोगे आप, और जितना जितना ही पानी पियोगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।